हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ व्रत में बनाया जाने वाला डोसा, जिसे मैं समक के चावल और साबुदाना के साथ बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम मेज़रमेंट कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर कितना समक के चावल लेने और कितना साबुदाना। यहाँ पर मैंने 1 कप समक के चावल लिए हैं और 1/2 कप लिया है साबुदाना। और अब हम इन दोनों को अलग अलग पीस लेंगे। अब हम इसे एकदम फाइन ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि एकदम ये पाउडर फॉर्म में आ जाए। यहाँ पर देखिए, हमने एकदम इसको महीन पीस लिया है। अगर आपको लगे कि हल्का सा दर्द रहा है तो उसे फिर से पीस लीजिए, और आप चाहो तो उसको छान भी सकते हो। अब मैं इसको एक बॉल में निकाल लूँगी और अब हम साबुदाना को भी एकदम महीन पीस लेंगे। और यहाँ पर साबुदाना पाउडर एकदम तैयार है। अब हम इसको उसी बॉल में ऐड कर लेंगे जिसमें हमने समक के चावल का आटा लिया है। स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। ऐड करेंगे सेंधा नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। ऐड किया है क्रश्ड ब्लैक पेपर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहो तो यहाँ पर बारीक कटी हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो। और अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है, और पानी हमें थोड़ा थोड़ा कर ऐड करना है, एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करेंगे। मिक्स कर लेंगे और बाकी का पानी भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और मैंने यहाँ पर 1 कप पानी फिर से लिया है और उसका 1/2 ऐड किया है बॉल में। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए बैटर में। और थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे। और इस बैटर की कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है जैसे कि हम डोसे की रखते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है और इसको भी हम विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि ढककर रखना बहुत ज़रूरी है, बैटर फूलता है। उसके बाद हम चेक करेंगे हमें कितना पानी और ऐड करना है। साथ ही चटनी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने कच्ची मूंगफली, आप इसे रोस्ट करके भी ले सकते हो, सेंधा नमक लिया है, 2 टमाटर, 4 हरी मिर्च, अदरक ली है थोड़ी सी, और 1/2 कप मैंने बारीक कटा हरा धनिया लिया है। सभी को हम साथ में पीस लेंगे। और यहाँ पर चटनी बनकर तैयार है। यहाँ पर बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, बैटर एकदम थिक हो गया है। अब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। मैंने 1/2 कप पानी लिया है, जिसमें से मैंने उसका 1/2 ऐड किया था, तो हमें सारा ऐड नहीं करना है, थोड़ा कर ही हम देखेंगे पहले। और यहाँ देखिए, कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। 1/2 कप पानी में से मैंने आधा पानी ऐड किया था और आधा इसमें बच गया है। और बैटर में यहाँ पर पहले हमने 2 कप पानी ऐड किया था और अभी 1/4 कप और ऐड किया है। एक बार इसको मिक्स कर लेंगे विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से। पैन को गर्म होने के लिए रख देंगे, और हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम लो ही रखना है। और मैं यहाँ पर नॉनस्टिक पैन का ही यूज़ कर रही हूँ। आप भी नॉनस्टिक पैन पर ही इन डोसों को बनाइए। ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें पैन में ऐड करेंगे। बस हमें इसे फैलाना नहीं है, ये अपने आप ही पैन में जाकर फैल जाएगा। कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और अभी मैं चेक कर ले रही हूँ स्पैचुला की हेल्प से, अभी ये थोड़ा सा कच्चा है, इसे फिर से कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। डोसा अच्छे से पक गया है, इसकी पहचान ये है कि पैन को ये इजीली छोड़ देगा। और यहाँ पर देखिए, बहुत आसानी से हमने इसको पलट दिया है। और इसे पकने में यहाँ पर 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगता है, बस हमें फ्लेम यहाँ पर लो ही रखना है। इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेते हैं। और एक बार जैसे ही पैन गर्म होने लगता है, ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होने लगते हैं डोसे, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको बनने में। और यहाँ पर आप चाहो तो ऑयल भी स्किप कर सकते हो। और ये देखिए, कितनी अच्छी जाली पड़ी और कितना अच्छा कलर भी आया है। फिर से कवर कर देंगे कुछ सेकंड के लिए इसको, टाइम आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि पैन कैसे आपका कितना अच्छी तरह से गर्म हुआ है। और अब ये भी बनकर तैयार है डोसा, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और यहाँ पर हम सर्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर प्लेन डोसा बनाया है, आप चाहो तो यहाँ पर आलू का मसाला या फिर पनीर का भी मसाला स्टफ़ कर सकते हो। और समक के चावल और साबुदाना को जो हमने पीस कर पाउडर फॉर्म में बनाया था, उस पाउडर को भी आप 1 महीने तक स्टोर कर ईजिली रख सकते हो। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत कम ऑयल में बन जाता है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।